बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। द लर्निंग स्कूल एंड कॉलेज, वीक 9, ग्रेड 7, सब्जेक्ट कंप्यूटर, सेक्शंस ABC, टॉपिक लूप्स एंड ग्राफिक्स इन स्मॉल बेसिक, पेज 54, लेक्चर नंबर 26। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि लूप क्या है, फोर एंड फोर स्टेटमेंट क्या होती हैं। प्रीवियस लेक्चर के ड्रिल वर्ड्स में शामिल हैं ऑलरेडी, अवेलेबल, प्रोवाइड, स्पेसिफाइड, प्रेफर्ड, एग्जीक्यूट, अपीयर, रेपिटिशन, इंक्रीमेंटेड, एक्सप्लेन्ड। न्यू लेक्चर के ड्रिल वर्ड्स में शामिल हैं आफ्टर, बाद, स्टार्ट, शुरू, आउटपुट, नतीजा, ग्रेटर, पड़ा, कमांड, हदायत। न्यू लेक्चर का जो ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर आज हम ये सीखेंगे कि फोर एंड फोर लूप के स्टेप्स क्या होते हैं। पेज नंबर 54 के ऊपर हम देखेंगे कि इसके स्टेप्स क्या हैं। इफ़ यू वांट द वेरिएबल वैल्यू टू बी इंक्रीमेंटेड बाय सम नंबर अदर देन 1, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, यू कैन यूज़ द स्टेप कमांड इन द फोर स्टेटमेंट। इसके अंदर हमें ये बताया गया है कि अगर आप कोई भी नंबर इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, इंक्रीज़ करना चाहते हैं, उसके स्टेप्स को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, चाहे वो पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर, तो उसको हम कैसे इसके स्टेप्स को अप्लाई करते हैं। पीछे वाले लेक्चर के अंदर हमने स्टेप्स इंक्रीज़ नहीं किए थे, जस्ट हमने 1 से 5 तक नंबर सेलेक्ट किए थे और वो 1-1 नंबर खुद ब खुद इंक्रीज़ होता था, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इसी तरह 5 तक वो सारा प्रोसीजर कंप्लीट होता था। लेकिन इसके अंदर हम 3-3 नंबर्स या 4-4 नंबर इंक्रीज़ करके देखेंगे कि उसका हमें आउटपुट क्या मिलता है। नाउ लेट्स स्टार्ट। 4A इक्वल है 1 to 20 और इसके जो स्टेप्स हैं हमने कितने नंबर इंक्रीज़ करना है, 3 नंबर इंक्रीज़ करना है। उसके बाद हम राइट करेंगे टेक्स्ट विंडो राइट लाइन A और उसके बाद हम एंड 4 के ऊपर जब क्लिक कर देंगे हमारी जो आउटपुट की जो विंडो है वो हमारे सामने अपीयर हो जाएगी, जैसा कि फिगर नंबर 4.2 के अंदर हम देख सकते हैं। फिगर नंबर 4.2 के अंदर आप देखें कि हमने 1 नंबर से स्टार्ट किया था और उसको 3 स्टेप्स आगे की तरफ इंक्रीज़ किया था। अब देखें, जो हमने 3 स्टेप्स आगे की तरफ इंक्रीज़ किया था वो स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि 1 के बाद 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 10, इसी तरह 3-3 नंबर वो आगे की तरफ इंक्रीज़ होता जाता है और ये पॉजिटिव नंबर के लिए है। उसके बाद देखें, हेयर द वैल्यू ऑफ ए इज़ इंक्रीमेंटेड बाय 3 आफ्टर एवरी लूप। हर लूप के बाद जो वैल्यू है ए की वो 3 नंबर इंक्रीज हो जाती है। द आउटपुट इज शोन इन फिगर 4.2। इफ़ यू डू नॉट यूज़ द स्टेप्स द वैल्यू ऑफ ए इज़ इंक्रीमेंटेड बाय द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ 1। अगर हम स्टेप्स को इंक्रीज़ नहीं करते, स्टेप्स ऐड नहीं करना चाहते, तो ए की जो वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, वो एक एक स्टेप आगे तरफ खुद ब खुद मूव करता जाता है। उसके बाद देखें, नेगेटिव वैल्यू के जरिए हम किस तरह इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं। द स्टेप वैल्यू कैन आल्सो बी नेगेटिव नंबर। इन दिस केस द स्टार्ट वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन और द वैल्यू इक्वल टू एंड वैल्यू। कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्डर। अब इस के अंदर हमें ये बताया गया है कि जब हम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं तो ये बड़े नंबर से छोटी की तरफ ऐड करते हैं इसको। तो इसके लिए देखें कि ए जो हमने नंबर लिया है वो 20 से 1 स्टेप 1 तक लिया है और इसके जो स्टेप्स हैं वो -4 कम किए हैं। अब देखें, टेक्स्ट विंडो राइट लाइन ए एंड 4, जब हम एंड 4 के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका जो हमें 4.3 फिगर के अंदर आउटपुट मिलेगा वो देख सकते हैं कि वो हमने 20 से स्टार्ट किया था और 4 स्टेप्स आगे की तरफ उसको माइनस किया है, तो वो माइनस होकर 16, 16 के बाद 12, 12 के बाद 8 और 8 के बाद 4 हो गया। इसी तरह पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर के साथ साथ हम इसको डेसिमल पॉइंट्स के साथ भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अभी हम डेसिमल नंबर के अकॉर्डिंग इसको इंक्रीज करेंगे, कितने कितने स्टेप्स आगे की तरफ ये मूव करता है। यू कैन आल्सो यूज अ डेसिमल नंबर एट द स्टेप वैल्यू। कंसीडर द फॉलोइंग कोड। 4A इक्वल है 1 to 5 स्टेप, मतलब कि हमने इसको कितने स्टेप्स आगे की तरफ मूव करवाना है, जस्ट हाफ इसको नंबर 0.5 आगे की तरफ हमने मूव करना है। टेक्स्ट विंडो राइट लाइन ए एंड 4, जब हम एंड 4 के ऊपर क्लिक करेंगे जो हमारा आउटपुट हमें मिलेगा वो आप देख सकते हैं पेज नंबर 54 और फिगर नंबर 4.4 के ऊपर कि देखें 1 के बाद 1.5 उसने आगे की तरफ इंक्रीज़ किया, उसके बाद 2, 2 के बाद 0.5 आगे की तरफ इंक्रीज़ किया, तो 2.3, इस तरह आगे की तरफ वो मूव करता जाएगा। इस तरह हम स्टेप्स के अंदर पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और डेसिमल नंबर्स को भी ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद देखें, अगर हमने इसके अंदर सम करना हो तो
सब करने के लिए अब देखें एग्जांपल वन देखें. राइट अ स्मॉल बेसिक प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर्स. फर्स्ट नेचुरल नंबर्स हम द वन से लेके टेन तक भी ले सकते हैं, फर्स्ट वन से लेके फाइव तक भी हम उनको ले सकते हैं. द वैल्यू ऑफ इज एन एन इज एंटर्ड बाय द यूज़र. उसका सोल्यूशन देखें जो हम इसकी विंडो के अंदर ऐड करेंगे. टेक्स्ट विंडो राइट एंटर द नंबर. एंटर द नंबर के अंदर कोई से भी हम नंबर एंटर करेंगे. नंबर इक्वल टेक्स्ट विंडो रीड नंबर. एस इक्वल है जीरो, मतलब उसका सम है अभी वो जीरो है, अभी हमने उसको ऐड नहीं किया. फोर आई इक्वल है वन टू नंबर. वन टू नंबर मीन हमने जहां तक भी उसका नंबर ऐड करने उसको ऐड कर लेंगे. टेक्स्ट विंडो राइट लाइन आई. एस इक्वल है एस प्लस वन, मतलब कि जितने नंबर हमने ऐड करने हैं वो और उसका हम सम करेंगे. सम करने के बाद एंड फोर. एंड फोर जब हम कर लेंगे तो जिसको हमें आप देखेंगे आउटपुट मिलेगा. हमने एंटर द नंबर टेन. टेन नंबर ऐड किए हैं वन से लेकर टेन तक, और जो हमें इसका सम ऑफ द फर्स्ट टेन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 55. जो अब उसका फर्स्ट टेन नेचुरल नंबर्स का जो हमें आउटपुट मिला है वो है 55. टेक्स्ट विंडो राइट लाइन. टेक्स्ट विंडो राइट लाइन सम ऑफ द फर्स्ट प्लस नंबर प्लस नेचुरल नंबर और इक्वल प्लस एस. उसका जो हमें नेचुरल नंबर फर्स्ट टेन का जो हमें आउटपुट मिला है वो है 55. अब 55 आप यहाँ पे फिगर नंबर 4.5 के अंदर आप इसको देख सकते हैं कि जो हमने एंटर द नंबर 10 ऐड किए थे, 1 से लेके 10 तक नंबर ऐड किए, उसका आप सम देखें. सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है इक्वल टू 55. प्रेस एनी की टू कंटिन्यू. अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कोई सी भी की को प्रेस करेंगे आगे की तरफ हम इसको मूव कर सकते हैं. और इसका जो थ्योरी है वो देखें. एंड फोर जब हम प्रेस करते हैं उसका जो हमें आउटपुट मिलता है टेक्स्ट विंडो राइट लाइन. और इसके ब्रैकेट को ओपन करेंगे और इसके अंदर कोमास डबल कोमा लगाएंगे, उसके बाद इसको बंद कर देंगे. टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन सम ऑफ द फर्स्ट प्लस नंबर प्लस नेचुरल नंबर इक्वल है प्लस सम के. द आउटपुट विल अपीयर एज गिवन इन द फिगर 4.5. इस लेक्चर के अंदर हमने ये डिस्कस किया कि जो 4 and 4 के अंदर जो स्टेप्स हैं उनको हम पॉजिटिव नेगेटिव या डेसिमल नंबर के अकॉर्डिंग या अगर हम नेचुरल नंबर्स का सम करना चाहें तो उसको हम कैसे करते हैं.